हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, डेली की तरह बेस्ट क्वेश्चनों को लेकर के आ गई हूँ। यूथ कंपटीशन के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस का रिवीजन हो रहा है। जैसा कि चैप्टर टू है स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी यानी खेल समाजशास्त्र का, ये लास्ट वीडियो है, पाँचवा वीडियो है। उसके बाद आपका अधिगम से रिलेटेड आएगा, फिर खेल मनोविज्ञान से रिलेटेड एंड एनाटॉमी फिजियोलॉजी, सभी टॉपिक्स पर सभी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराए जाएंगे। जैसा कि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी हो, यूपी एलटी ग्रेड हो, एमपी टेट हो, एमपी सुपर टेट वर्ग 2-3 हो, चाहे बिहार या स्टेट हो, सभी के लिए मेरे चैनल पे थ्योरी सेशन, चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चंस एंड बेस्ट क्वेश्चनों का प्रैक्टिस दिया गया है। चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और चेकआउट कीजिए और अपना प्रिपरेशन करिए। एंड दोस्तों, आज के क्वेश्चन पर चलते हैं। आप डेली बेसिस में मेरे साथ इसी तरह बने रहिए, अवश्य आपको सफलता मिलेगी। एंड दोस्तों, क्वेश्चन है कि विभिन्न व्यक्तियों के प्रयासों का समायोजन की ओर एक सर्वांत का तकनीकी अर्थ क्या है। विभिन्न व्यक्तियों का प्रयासों का समायोजन की ओर एक सर्वांत का तकनीकी का अर्थ क्या है? संगठन। क्या है? संगठन, यानी कि संगठन वह सामाजिक व्यवस्था या युक्ति है जिसका लक्ष्य एक होता है, जो अपने कार्यों की समीक्षा करते हुए स्वयं का नियंत्रण करती है तथा अपने पर्यावरण से जिसकी अलग सीमा होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों की सामाजिक विरासत प्राथमिक रूप से प्रतिबिंबित होती है तो किसमें? दोस्तों, परंपराओं और रीति रिवाजों में। किसमें? परंपराओं और रीति रिवाजों में, यानी कि मानव का विकास उसके संचलन से ही शुरू हुआ है। मानव प्रकृति का सबसे अधिक क्रियाशील प्राणी है और शारीरिक कार्यकलाप विकासवाद से ही उसके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आदिम मानव के लिए भोजन और आश्रय की तलाश ही उसकी पहली क्रियाशीलता थी। इसकी यह पहली शारीरिक क्रियाशीलता उसके जीवित रहने की नैसर्गिक आवश्यकता थी। शारीरिक क्रियाशीलता ही संचार का पहला माध्यम बनी। इसे संप्रेषण के रूप में भी लिया जा सकता है। जैसे जैसे मानव ने सांस्कृतिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से विकास किया, उसी तरह से शारीरिक क्रियाशीलता और निरीक्षणात्मक रूप में होती गई। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मानव की सर्वाधिक सामाजिक प्रक्रिया क्या है। तो मानव की सर्वाधिक सामाजिक प्रक्रिया क्या है? तो ये है सामाजिक समझ, सोशल अंडरस्टैंडिंग, यानी कि सामाजिक वर्ग समाज में आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्थाओं का एक समूह है। समाजशास्त्र के लिए विश्लेषण राजनीतिक वैज्ञानिकों, अर्थशास्त्रियों, मानव विज्ञानियों और सामाजिक इतिहासकारों आदि के लिए वर्ग की अक्सर सामाजिक स्तरीकरण के संदर्भ में चर्चा की जाती है। आधुनिक पश्चिमी संदर्भ में स्तरीकरण आमतौर पर तीन वर्गों, उच्च वर्ग, मध्य वर्ग एंड निम्न वर्ग से बना है। प्रत्येक वर्ग और छोटे वर्गों में उपविभाजित हो सकता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस साधन द्वारा हम मूल्य, विश्वास और व्यवहार के नमूने अर्जित करते हैं? किसके द्वारा करते हैं दोस्तों? तो आप सही आंसर टिक कर दिए होंगे, ये सभी प्रक्रिया संपन्न हो पाती है समाजीकरण के द्वारा। यानी कि दोस्तों, हमारे जीवन के लिए दैनिक गतिविधियों का निर्धारण साधन के द्वारा होता है, जिन्हें हम दैनिक रूप में प्रयोग करके उनके मूल्य, विश्वास तथा उनके व्यवहारों का आकलन करते हैं और उनके प्रदर्शन पर उपयोग करते हैं। यह समाजीकरण सिद्धांतों के माध्यम से ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, संशक्ति यानी कि सामंजस्य, जिसे कोहेसिवनेस कहते हैं। तो संशक्ति यानी सामंजस्य के साथ कौन से घटक संबंधित हैं? तो दोस्तों, सामंजस्य के साथ कौन सी घटक इसमें संबंधित रहेंगे?
तो दोस्तों यहाँ पे टीम संतुष्टि होना चाहिए एंड सामाजिक समर्थन होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट होगा 1 और 4। यानी कि संशक्ति या सामंजस्य कोहसन का मतलब टीम संतुष्टि या सामाजिक समर्थन, टीम के प्रत्येक सदस्य सामंजस्य के साथ खेलना तथा आपस में संतुष्टि का होना अति आवश्यक है। इसके अलावा दर्शकों का समर्थन भी होना आवश्यक है। यह नहीं लगना चाहिए कि टीम में एकता नहीं है, अर्थात दर्शकों में यह संतुष्टि का संदेश देना चाहिए, यही आपका संशक्ति या सामंजस्य होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कि हाँ अभिकथन से रिलेटेड है। अभिकथन ये है कि खेल कूद में भाग लेने से समाजीकरण होता है। बात सही है, खेल कूद में भाग लेंगे, आपस में लोगों से मिलेंगे तो आप उनसे सीखेंगे, वो आपसे सीखेंगे, ठीक। एंड उसके तर्क में आ रहा है कि खेल कूद सामाजिक आदतों का विकास करते हैं। बात सही है, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही है, तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, ए और आर दोनों सत्य हैं। एंड नेक्स्ट है, ये भी अभिकथन से रिलेटेड है। अभिकथन ए है दोस्तों कि टीम खेल में संशक्ति तथा प्रदर्शन के बीच सकारात्मक संबंध होता है। अभी हम जस्ट पढ़े हैं टीम खेल में सामंजस्य होना ही संशक्ति कहलाता है। तो यहाँ पे भी ये आपका ऑप्शन नंबर जो ए है, अभिकथन ए है, वो सत्य है, ठीक है। और तर्क आर देखते हैं क्या कह रहा है, कि कार्य संशक्ति तथा सामाजिक संशक्ति मापन के संबंध का मूल्यांकन टीम की संशक्ति तथा प्रदर्शन से मूल्यांकित होता है। तो यहाँ पे ये भी राइट है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, दोनों ए और आर सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ भी अभिकथन से रिलेटेड है, कि अभिकथन ए है कि मनोरंजन मानव की मूलभूत आवश्यकता है। बात सही है, मनोरंजन जो है वह मानव की मूलभूत आवश्यकता है, बिना मनोरंजन के आप नहीं रह सकते। तो यहाँ पे ये आपका सत्य है। आर इसके तर्क में क्या दिया है, कि मनोरंजन की अदम्य इच्छा सार्वभौमिक है। ये भी सही है, सार्वभौमिक, पूरे संसार में मनोरंजन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे क्या है कि अभिकथन ए और आर दोनों सत्य हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ए आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। एंड नेक्स्ट है दोस्तों, कि शारीरिक शिक्षा के सामाजिक आधार की विवेचना करता है, तो कौन करता है दोस्तों शारीरिक शिक्षा के सामाजिक आहार की विवेचना, आधार की विवेचना कौन करता है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, जैसे कि शारीरिक गठन और गति अधिगम, ये तो आपके खेल मनोविज्ञान एंड एनाटॉमी में आ जाएगा। तो यहाँ पे सामाजिक आधार की बात कहा है, तो सामाजिक प्रतिस्पर्धा एंड सहयोग होता है एंड सामाजिकरण की प्रक्रिया, यानी 3 और 4 आपका राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं कि शारीरिक शिक्षा के सामाजिक आधार की विवेचना प्रतिस्पर्धा एवं सहयोग के साथ ही सामाजिकरण प्रक्रिया में खेल में खिलाड़ी की भावना को बलवती बनाती है। शारीरिक शिक्षा समाजशास्त्र में खिलाड़ियों के संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करता है। वहीं शारीरिक शिक्षा व खेलों में भी सामाजिक प्रभाव व सामूहिक अनुभव के आधार पर कार्य करती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको मिलाना है, तो यहाँ पे सबसे पहले बता देते हैं कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या है, राइट है। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे दिया हुआ है ए, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, यहाँ पे एक किसको इंगित कर रहा है, तो ए आपका सबके सामने सामने, ए का 1, 2 का 2 और C का 3 और D का 4 यहाँ पे राइट है। तो
तो यहाँ पे इंटरनेशनल जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी AASPERD से संबंधित है, एंड बी है जर्नल ऑफ अप्लाइड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी AACSM से संबंधित है, मेडिसिन एंड साइंस इन स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज AAASP से संबंधित है, रिसर्च क्वार्टरली फॉर एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट्स AISSP से संबंधित है। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा समझ में नहीं आया है, इसको आप सर्च कर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट है दोस्तों, आपको मिलान करना है। यहाँ पे है आपका प्री स्कूल तथा किंडरगार्टन स्तर, प्री स्कूल तथा किंडरगार्टन स्तर। तो इसमें क्या होता है कि कोई दबाव नहीं होता है। फ्रायड ने इसको खोज किया था, किंडरगार्टन पद्धति का, खेल के द्वारा, शिक्षा के द्वारा। तो यहाँ पे मुक्त शिक्षा दिया जाता है, कोई डर भाव नहीं रहता है। तो यहाँ पे आपका ए का 3 हो जाएगा, यानी मुक्त क्रीड़ा द्वारा स्थूल मॉडल मोटर पैटर्न पर यहाँ पे शिक्षा दिया जाता है। तो ए का 3 हो जाएगा, ठीक है। एंड बी दूसरा है प्राथमिक अथवा आरंभिक विद्यालय स्तर, ग्रेड 1 से 5 तक। तो ए आपका हो जाएगा प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक मोटर गुणों का विकास, तो 2 का 4 हो जाएगा। एंड 3 है मध्य विद्यालय स्तर 6 से 8 में क्या होता है, तो इसमें आपका हो जाएगा विविध प्रकार की गतिविधियों, ठीक है। इसका आपका तीसरा का हो जाएगा 2, विविध प्रकार की गतिविधियों के साथ शारीरिक क्षमता का विकास तथा देख रेख, ठीक है। तो 3 का 2 हो जाएगा। एंड 4 है कि माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्तर 9 से 12। ये क्या होगा आपका, इसमें आपका हो जाएगा जब उच्च स्तर के विद्यार्थी हैं तो यहाँ पे हो जाएगा आजीवन खेल गतिविधियाँ करते हैं, यानी कि जैसे 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 उनका लेवल बढ़ता जाएगा वो उसमें सिद्धस्त होते जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। तो यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन से रिलेटेड है दोस्तों। तो अभिकथन ये है कि सामुदायिक खेलों में शारीरिक शिक्षक को माता पिता एवं सामुदायिक नेताओं को परामर्श देना चाहिए। तो यहाँ पे ये सही है। एंड आर तर्क क्या है कि बच्चे अपनी संभावनाओं की सीमा के अनुसार अपनी शारीरिक कुशलताओं का विकास करते हैं। तो दोस्तों सही बात है, दोनों बात सही है, लेकिन जो अभिकथन ए है उसका आर जो है सही से व्याख्या नहीं करता, लेकिन बात दोनों सही है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अभिकथन वाले प्रश्नों में बस यही देखिएगा कि अगर अभिकथन ए सही है तो उसी के बारे में डिटेल में बताएगा कुछ न कुछ बात तर्क आर। हाँ तो भी आप कहेंगे कि ए सही है, ए बी दोनों सही हैं, ए और आर ए की सही व्याख्या है, ऐसा आंसर देंगे। लेकिन अगर ए आपका सही है अभिकथन और आर तर्क आर जो है ए के संबंध में कोई उसका तर्क नहीं प्रस्तुत करता, बल्कि एक कोई और उदाहरण दे करके एक बात बताता है दूसरा, बल्कि वो बात सही रहता है, तो आप यही लिखेंगे, टिक लगाएंगे कि ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे फिर से अभिकथन से रिलेटेड है। अभिकथन ये है कि मनोरंजन गतिविधियाँ मानसिक एवं भावात्मक अस्वास्थ्य को रोकने में मूल्यवान सिद्ध हो सकती है। सही बात है, आप मनोरंजन में लिप्त रहेंगे या मनोरंजन जब भी आपको खाली समय मिलेगा तो आप मनोरंजन गतिविधि करेंगे, जो आपके अंदर जो इमोशनल चीज़ें होती हैं खाली समय में जो आपको भटकाती हैं वो चीज़ कम हो जाएंगी। बात सही है। इसके संबंध में तर्क आर क्या है कि ऐसे लोग जो मानसिक रोगों से पीड़ित हैं वे खेल संगीत के उद्दीपनों के प्रति शीघ्रता से प्रतिक्रिया प्रक्रिया व्यक्त करते हैं। तो
ये बात सही है, दोनों यहाँ पे सही है। और तर्क आर भी ए के संबंध में अच्छा तर्क दिया है, तो यहाँ पे आंसर नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। एंड नेक्स्ट है फिर यहाँ पे अभिकथन से रिलेटेड है कि अभिकथन ए है दोस्तों कि लोकतंत्र और मनोरंजन भाव के भाव में समान है। लोकतंत्र और मनोरंजन भाव में क्या है, समान है। तो यहाँ पे ये भी सही है, लोकतंत्र और मनोरंजन भाव दोनों में भाव में समान है। एंड तर्क आर क्या दिया है कि लोकतंत्र का यह दृढ़ संकल्प है कि प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति विकास और पूर्णता पाने का अवसर दिए जाएंगे, और मनोरंजन क्या है, व्यक्ति को सही दृष्टि तुष्टि सृजनात्मक अभिव्यक्ति और लोकतंत्रीय उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विकास के अवसर दिए जाते हैं। इस प्रकार यानी कि जो तर्क आर है एक का बहुत अच्छा से तर्क दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची वन को टू से सुमेलित कीजिए और सेलमन के 1980 के अंतर व्यक्ति तर्क के चरण के आधार पर कूट का के सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सेलमन ने कोई वैज्ञानिक रहा होगा जो 1980 में अंतर व्यक्ति तर्क के चरण बताए थे कि क्या होता है। तो चरण वन में, यहाँ पे चरण वन में उन्होंने दिया है कि आत्म प्रदर्शन भूमिका लेना। चरण वन में क्या करेगा, आत्म प्रदर्शन भूमिका। अंतर व्यक्ति चरण अगर हम किसी को जज कर रहे हैं और कि किस व्यक्ति में क्या अंतर है, तो सबसे पहले आत्म प्रदर्शन भूमिका लेंगे पहला चरण में। एंड ए का फोर हो जाएगा, ठीक है। एंड दूसरा चरण में क्या करेंगे, दूसरा चरण में हम सामाजिक सूचना, यहाँ दो का दो ही हो जाएगा, दो का दो ही हो जाएगा, यानी कि दूसरा चरण में सामाजिक सूचना की भूमिका ग्रहण करेंगे। और तीसरे चरण में क्या करेंगे, तीसरे चरण में थ्री का थ्री ही होगा, तीसरे चरण में सामाजिक एवं परिवर्तनीय भूमिका ग्रहण करेंगे। एंड चौथे चरण में क्या करेंगे, बहु भूमिकाएं ग्रहण करेंगे, यानी बेसिक से आप एडवांस की तरफ जाएंगे। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा, और यहाँ पे ये मिलाया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन से रिलेटेड कि मानव जाति अद्वितीय है, वे शारीरिक मानसिक तथा व्यवहार परक अभिलक्षणों के संयोजन से संपन्न होते हैं जो उन्हें मानव के रूप में पहचान देते हैं तथा उन्हें व्यक्तित्व प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे ये तो है जो है राइट दिख रहा है। और तर्क आर देखते हैं क्या है, तर्क आर है कि लोग समान भी होते हैं तथा भिन्न भी होते हैं। बात सही है, एक समान भी होते हैं भिन्न भी होते हैं, उनकी भिन्न भिन्न जैविक एंड आनुभविक पृष्ठभूमि होती है, तथापि उनमें कुछ ऐसे समान शारीरिक एंड मानसिक गुण होते हैं जो उन्हें जानवरों से अलग करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों दोनों सत्य हैं, आर ए और आर दोनों सही हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ भी अभिकथन से रिलेटेड है, अभिकथन ए है कि जीवन की गुणवत्ता शारीरिक मानसिक और सामाजिक रूप से सही होने का समग्र मापक है। सही बात है, जीवन की गुणवत्ता सभी अच्छी हो सकती है जब वो शारीरिक रूप से मानसिक रूप से सामाजिक रूप से समग्र हो, तभी उसको कहा जा सकता है कि वो सही जीवन की गुणवत्ता से जी रहा है, एंड जो कि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा महसूस की जाती है। ये बात तो सही है आर अभिकथन एंड आर देख ए, लेकिन आर देखते हैं इसके संबंध में सही व्याख्या किया है कि नहीं।
यहाँ पे आर दिया है कि जीवन की गुणवत्ता को परिभाषित करना कठिन है, यहाँ तक कि इसका मापन और भी कठिन है। तो ये बात तो सही है, लेकिन जो ए की व्याख्या करना चाहिए था उस प्रकार की व्याख्या ये नहीं किया है। अब बात लेकिन सही है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है, परंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं है। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको मिलान करना है सूची वन सूची टू से। इसमें ए है कि स्वतः कार्यान्वयन आवश्यकताएं, जो स्वतः कार्यान्वयन आवश्यकताएं होगा वह एक इच्छा होगा, तो ए का फोर हो जाएगा, ए का फोर हो जाएगा। एंड सम्मान आवश्यकताएं, सम्मान की जो आवश्यकताएं होती है उसे प्रतिष्ठा कहा जाता है, तो टू का थ्री हो जाएगा, बी का थ्री। एंड सामाजिक आवश्यकताएं, तो सामाजिक आवश्यकताएं जो है कार्य समूह में हो सकता है, तो सी का टू हो जाएगा। एंड डी है मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं, तो मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं जो है ये आश्रय में हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से एक अच्छे नेता के गुण कौन से नहीं हैं। तो एक अच्छे नेता के गुण यहाँ पे कौन सा नहीं है दोस्तों, आपको देखना है। तो एक अच्छे नेता के गुण कौन से नहीं है, तो आसन नंबर ए है कि वह ज्ञानवर्धक होना चाहिए। सही बात है, कोई भी नेता अगर ज्ञान ही नहीं रहेगा तो लोगों को क्या बताएगा। एंड बी है उसका अच्छा व्यक्तित्व होना चाहिए, यानी कि उसकी पर्सनालिटी जो है वो अच्छा होना चाहिए। एंड सी है वह एक अच्छा व्यवस्थापक तथा प्रबंधकर्ता होना चाहिए। ये तीनों तो आपको राइट हैं, बट डी है कि वह एक अनन्य शासक होना चाहिए, ये नेता के गुण नहीं है। वो नॉर्मल स्वभाव का होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, अनन्य शासक नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक अच्छे नेता के गुण दिए गए हैं, देख लीजिए, एक उसमें अनुशासन और डिसिप्लिन होना चाहिए, सेल्फ विश्वास होना चाहिए अपने आप पर, ठीक है। एंड दूरदर्शी होना चाहिए, मतलब भविष्य तक की सोचे। एंड मानसिक स्फूर्ति होना चाहिए, तर्क शक्ति होना चाहिए, साहस इच्छा शक्ति होना चाहिए, बुद्धिमत्ता होना चाहिए, फैसले लेने की शक्ति होना चाहिए, आचार विचार परिवर्तनशीलता आदि होना चाहिए। नेक्स्ट है, भारत में सबसे प्रथम किस संस्था ने मनोरंजन में एमए डिग्री आरंभ की। तो दोस्तों LNCPE ग्वालियर, यानी लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर मध्य प्रदेश, जिसकी स्थापना 1957 में हुआ था, इन्होंने ही MPA डिग्री 1963 में सबसे पहले शुरू किया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम में मुख्य ध्यान होना चाहिए किसका दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम में किस पर ध्यान देना चाहिए, विशेषकर बालकों को स्वास्थ्य और स्वास्थ्य विज्ञान विषय में शिक्षित करने पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि व्याख्या में यहाँ पे दिया गया है कि प्राथमिक विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रमों का प्रमुख उद्देश्य स्कूल के छात्रों के स्वास्थ्य को सुधारना एवं उचित बनाए रखना है। स्वास्थ्य परिषद एवं स्वास्थ्य समिति के अनुसार प्रत्येक विद्यालय में एक स्वास्थ्य परिषद एवं स्वास्थ्य समिति का गठन किया जाना चाहिए। यह समिति विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में नेतृत्व एवं निर्देशन का कार्य करेगी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है कि समूह गतिशीलता शब्द से तात्पर्य है। तो समूह गतिशीलता शब्द से क्या तात्पर्य है दोस्तों, यानी कि यहाँ पे समूह गतिशीलता शब्द से तात्पर्य है कि समूह की संघटना, ठीक है, समूह की संघटना, यानी कि व्यक्तियों परिवारों या अन्य श्रेणी के लोगों का समाज के एक वर्ग से दूसरे वर्ग में गति सामाजिक गतिशीलता कहलाती है। इस गति के परिणाम स्वरूप उस समाज में उस व्यक्ति या परिवार की दूसरे के सापेक्ष सामाजिक स्थिति बदल जाती है।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो आपका होगा नेतृत्व से, लीडरशिप से, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, खेल मनोविज्ञान, जो वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी फिजिकल एजुकेशन किसी भी एग्जाम के लिए। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी किया कीजिए, और डेली बेसिस पे इसी तरह मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, जरूर सफलता मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।